सुपेला स्थित शराब भट्टी को सुपेला रोड से हटाने के नाम पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व भारतीय जनता पार्टी के पार्षद व सदस्य सुपेला के देशी शराब भट्टी के बगल में एक दिवसीय धरने पर बैठे। सुपेला गदा चौक स्थित देसी अंग्रेजी शराब को मुख्य मार्ग से हटाने को लेकर पिछले कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी व कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा बार बार आंदोलन किया जा चुका है। बावजूद इसके अभी भी ये देसी व अंग्रेजी शराब की दुकान सुपेला से हटाई नहीं गई है। मुख्यमंत्री से लेकर संभागायुक्त तक, दुर्ग कलेक्टर, निगम आयुक्त को भी इस मामले को लेकर आवेदन दिया जा चुका है। बावजूद इसके देसी व अंग्रेजी शराब दुकान को लेकर शासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। वही क्षेत्र की जनता का कहना है कि इस शराब की दुकान के यहाँ होने से आए दिन यहाँ विवादों की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि ये मदिरा दुकान सुपेला के मुख्य मार्ग व मार्केट क्षेत्र में है, इसलिए आए दिन यहाँ से महिलाएं व बुजुर्ग मार्केट में सब्जी, कपड़े आदि खरीदने आते ही रहते हैं। ऐसे में शराबियों के रास्ते पर गाली गलौज करने के कारण काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। कई बार तो शराबियों के द्वारा किसी गाड़ी के सामने आकर गाली गलौज करने का मामला भी प्रकाश में आ चुका है। दो दिन पहले ही सुपेला के ही एक लड़के ने शराब के नशे में एक लड़की को चाकू मारकर हत्या भी कर दी थी। सबसे बड़ी तो शर्मनाक बात यह है कि इतना व्यस्तम मार्ग, जहाँ से वैशाली नगर, शांति नगर, राम नगर, कोहका, कुरूद की महिलाएं बगल में सब्जी मंडी, सब्जी खरीदने के लिए यहाँ पे आती हैं, और शाम को 6 बजे का माहौल यहाँ पे इतना आतंक और भय का माहौल रहता है कि महिलाएं यहाँ आती नहीं है। उसके बाद भी शासन प्रशासन का आँख नहीं खुलना कहीं ना कहीं कई तरह के प्रश्नों को जन्म देता है कि किसका दबाव है, किसका वो है। कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित किया गया नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त को कि आप तत्काल जगह खोज कर दारू भट्टी को शिफ्ट करें, पर आयुक्त महोदय द्वारा 2 माह बीत जाने के बाद भी एक स्थल का खोज नहीं कर पाए कि दारू भट्टी को यहाँ से स्थानांतरित करना है। मैं आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन इसका जल्द से जल्द संज्ञान ले, और जो हमारी बहन जिसकी अभी कुछ दिन पूर्व एक शराबी के द्वारा दारू पीकर हत्या कर दी गई, उस हत्यारे को फांसी दी जाए। ये धरना कई दिनों से, कई महीनों से, सालों से बोलेंगे चलेगा, हमेशा धरना करते आ रहे हैं, शांतिपूर्वक धरना करे आ रहे हैं। दारू दुकानें यहाँ आसपास में खुली हुई है, शाम को क्या सुबह भी यहाँ से जाना मुश्किल हो जाता है। आप कभी भी चलिए इस रास्ते में, यहाँ से मतलब रास्ता पूरा घिरा रहता है, महिलाओं को, लड़कियों को जाने में बहुत दिक्कत होती है। शासन प्रशासन को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके बहुत बार देख लिया, सब कुछ कर लिया, अब महिलाओं के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा आक्रोश है। अब हम लोगों का सबका ये मानना है कि एक अब यदि कोई इस बात की सुनवाई नहीं हुई, दारू भट्टी नहीं हटी, अब एक एक लड़की मरी, दो मरी, और इस तरह से अब कईयों के घर खराब हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जल रहे हैं, उसके बाद भी यदि तुमको समझ में नहीं आ रहा है और उस चीज़ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो महिलाएं, सारी महिलाएं उग्र होकर के फिर अपने कानून को हाथ में लेकर के तोड़फोड़ मचाएंगी या कुछ उग्र आंदोलन होगा, तो उसका जिम्मेदार कौन है? भट्टी काफ़ी सालों से खुली हुई है, यहाँ की भट्टी बंद करने के लिए कितने बार गवर्नमेंट को बोला जा रहा है, यहाँ का महापावर को, पार्षद, सब चीज़ को बोला जा रहा है, लेकिन कोई यहाँ का नहीं कर रहे हैं, ना ही बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा बोल रहे सरकार गवर्नमेंट का चीज़ है और गवर्नमेंट ही ये चीज़ करेगा, तो ये बताओ गवर्नमेंट कौन है, किसको पकड़ेंगे, पब्लिक किसको बोले, गवर्नमेंट कहाँ है? ये शराब भट्टी नहीं उठेगी तो आज एक सुमन मरी है, कल दूसरी सुमन, परसों तीसरी सुमन, हर घर की बेटी ऐसी मरेगी। क्षेत्रीय महिला इस मामले को लेकर सरकार के विरोध में अब रोड पर आकर धरने पर बैठ गई है। देखना होगा क्या इन महिलाओं की ताकत से सुपेला स्थित देसी व अंग्रेजी शराब दुकान मुख्य मार्ग से हट पाती है या नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट।